तो बेटे कल हमने क्वेश्चन किए थे 5.1 के 1, 2, 3 तीन क्वेश्चंस। आज हम करेंगे 4, 5 और 6। तो आज मैं सभी का एक एक पार्ट आपको बताता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। तो फोर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें। -x/5 + 2 × -2/5 x²y²। तो ये एक नंबर है, वेरिएबल है, मोनोमियल, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे। तो -1/5 × -2/5, तो वेरिएबल के साथ -1/5 × -2/5 इंटू x^1, ये है और 2 यहाँ पे है, तो x^1 + 2 और इसमें y^2 प्लस 2 इंटू इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा -2/5 और x^2 और y^1 और 2 प्लस में हो जाएगी। तो अभी हो जाएगा आपका जैसे माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 जा 2, 5 5 जा 25, x^3 y^2, तो x^3 और y^2 प्लस और माइनस टकरा के माइनस, 2 2 जा 4/5 और x^2 y^3। तो इस तरह प्रोडक्ट निकालेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। बाकी इसमें क्या है कि सेम जैसे फोर्थ में एक ही पार्ट था, अब इसमें दो पार्ट हो जाएंगे ऐसे। तो इसका देखेंगे आप, फर्स्ट पार्ट -3y × 4y + 3z x + 2x × x² - y². तो इसमें आप 3y से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 4 और y^1 और 1 ऐड हो जाएगी। अब इसकी 3 के साथ 3 × 3 और x और y, यहाँ पे 2 की 1 है, तो 2 1 जा 2 और x^2 + 1 और -2 1 जा 2, x सिंगल है, y^2, तो 3 4 जा 12, y^2, 3 3 जा 9 xy और 2 x^3 -2 x y² और अब देखेंगे 6th का फर्स्ट पार्ट। इसमें देखिए 5x - 2 + 4 × x - 3 + 3 × x - 4, यहाँ पे 5 4 और 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 के x के साथ 5x, 2 के साथ -10, 4 के x के साथ 4x और 3 के साथ -12 और 3 के x के साथ 3x और 3 4 जा 12। अब 5x 4x और 3x सभी प्लस के हैं, तो 12x और ये तीनों माइनस के आपके 10 12 और 12, तो -34 ये आंसर हो जाएगा। तो आज आप करेंगे 4, 5 और 6।